आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। कन्नौज में उन्नाव की रहने वाली युवती का शव एक नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही मृतका उन्नाव से कन्नौज आकर एक युवक के साथ रहने लगी थी। पिता को इस बात की सूचना हुई तो पता चला कि प्रेमी और उसके घर वालों के बीच विवाद हुआ था। वहीं अब लड़की का शव नाले से बरामद हुआ। आरोप है कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और डरे सहमे लड़के के घर वालों ने लाश ठिकाने लगाने के मकसद से नाले में फेंक दी। फिलहाल प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जाँच में जुटी है। चर्चा हो रही थी, फिर इनमें और राहुल की मम्मी में ने तुमको जाना पड़ेगा। फिर राहुल से पूछा, उसने तुम बताओ क्या करोगे, अभी तक तुम 4 महीने से मेरे साथ थे, मेरी इज्जत लूटा और इसके बाद आप कह रहे हो जाएंगे, तुम सामने कुछ कहते हो पाछे कुछ क्या कहते हो। तो इनकी मम्मी ने कहा नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा आए। इसके बाद सर फिर हम अंदर वहीं बैठे थे और लड़की इनकी झड़प हुई और जाके अंदर के हमारे दरवाजे बंद कर लिए। तो हम लोग सोचा कि गुस्से में होगी, सभी लोग आंगन में बैठे थे और उसने जो है ठंडा डाल के आत्महत्या कर ली। जब ये पता लगा आवाज़ नहीं आ रही तो सब लोग जब इधर उधर देखा कि लटक रही तो घर में फांसी लगाई थी, उसका सब नाले तक कैसे पहुँचा, ये क्या आपको जानकारी मिली कि नाले तक कैसे सब पहुँच सकता है? ये सर नाले कैसे पहुँचा ये मुझे नहीं। ग्राम सदिकापुर में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसके संबंध में जानकारी हुई है कि राहुल कटियार ये सदिकापुर गांव का रहने वाला है, जो उन्नाव की लड़की थी जिसको ये ले करके पिछले 4 महीने से यहीं सदिकापुर में रह रहा था। इस लड़की के माता पिता जब उस लड़की को लेने के लिए आए थे तो उसी दौरान कोई इनका विवाद हुआ, जिसमें लड़की ने कमरे में घुस करके फांसी लगा ली और उनको गुमराह किया, उनके मदर फादर को, कि वो अभी जिंदा है और उसको अस्पताल लिए जा रहा है। लेकिन वो अस्पताल ना ले जा करके किसी जगह छिपा दिया था, जिसको बरामद किया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही लड़की की पंचायतों पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में यह भी जानकारी हुई है कि लड़की के मदर फादर ने इसके खिलाफ कहीं कोई तहरीर इसके पहले नहीं दी थी और इन्होंने शादी की थी या नहीं की थी, इस संबंध में भी जानकारी की। ग्रेटर नोएडा के दादरी तहसील क्षेत्र में किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। वहीं प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दादरी तहसील में पराली जलाने पर 8 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर तहसील में भी पराली जलाने वाले 6 किसानों पर FIR दर्ज कराई गयी है। फतेहपुर जिले के नोडल अधिकारी भुवनेश कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी के जिला अस्पताल पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। नोडल अधिकारी ने पहले वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था देखी और मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। वही नोडल अधिकारी ने दवाओं का स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखा पाने पर विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और मेडिकल सुविधाएं बेहतर करने की हिदायत दी। फतेहपुर जिले की नगर पंचायत हथगांव के धान क्रय केंद्र पर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद राज्य मंत्री ने छापा मारा। छापा पड़ते ही धान क्रय केंद्र के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंत्री ने किसानों से अब तक खरीदे गए धान का ब्यौरा क्रय केंद्र के अधिकारियों से लिया, जिसमें पाया गया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम धान खरीदा गया है। जांच में ये पाया गया कि जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको 3000 मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया है और उसके सापेक्ष अभी मात्र 14 कुंटल और 55 कुंटल दो की वो इस तरह से लगभग 59 कुंटल की खरीद हुई है, जो भी कि बिल्कुल इसे ये समझा जाए कि 0 दशमलव के अंदर ही ये खरीद आती है, जो लक्ष्य से मतलब बिल्कुल विपरीत है। तो इसी संबंध में अभी जो इनसे बताया गया है कि तहसील में सत्यापित नहीं हो पा रही हैं लिस्ट, इस संबंध में अभी DM से बात की गई है और जो भी इसमें खामियां आ रही हैं वो सारी खामियां पूरी करके बहुत जल्दी धान की खरीद तेजी से की जाएगी और लक्ष्य की प्राप्ति की। सीतापुर की शारदा सहायक नहर से तालाब में आए एक मगरमच्छ ने वन विभाग की टीम के साथ कई दिन से लुका छिपी का खेल खेला, लेकिन वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही थी। गांव में मगरमच्छ की दस्तक से दहशत का माहौल था। तालाब में करीब 15 दिन तक वन विभाग की टीम ने नजर बनाए रखी। आखिरकार अब जाकर टीम को कामयाबी मिली और मगरमच्छ को पकड़ा गया।
आगरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मोर का अंतिम संस्कार कराया। पूरा मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के राजाखेड़ा मार्ग स्थित दीक्षित कोल्ड स्टोरेज के पास का बताया जा रहा है। महोबा जनपद के सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। विकासखंड पनवारी के लौलार निस्वार में नहर का माइनर टूटने से किसानों की 2100 एकड़ फसल नष्ट हो गई, जिसके चलते किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से शिकायत करने के बावजूद टूटी हुई नहर की हालत जस की तस बनी है। ना तो किसी अधिकारी ने किसानों का हाल जाना, ना ही सिंचाई विभाग के अफसर नष्ट हुई फसल का आकलन करने पहुँचे। फिरोजाबाद में नगर निगम टैक्स कलेक्टर की बड़ी धांधली खुलकर सामने आई। फर्जी दस्तावेज लगाकर किराएदार को मकान मालिक बना दिया गया, जबकि असली मालिक को संपत्ति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मामला तूल पकड़ा तो कर्मचारी ने माना कि फर्जी दस्तावेज लगाकर गलती हुई है। फिलहाल नगर आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मोगा में नशे के मामले में पुलिस एक युवक को थाना सिटी वन लेकर आई थी। सुबह के वक्त हवालात में युवक का शव कंबल से लटका मिला। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि पुलिस ने उसे मारा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उधर परिजनों ने पुलिस पर युवक को खाने देने के लिए 1000 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।